ओके तो वेलकम टू एमएफ इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेन बेसिक बात कर लेते हैं कि रियलमी 8S जो अभी लॉन्च हुआ है 12 बजे आज के दिन में, उसके हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे रियलमी 8i से जो कि आज ही रिलीज़ हुआ है 12 बजे। और दोनों की प्राइस की बात करूँ तो रियलमी 8S काफ़ी ज़्यादा महंगा फ़ोन है, तकरीबन 18,000 का पड़ रहा है, और रियलमी 8i जो कि 14,000 का पड़ रहा है, जो कि एक देखा जाए तो एक अच्छा मोबाइल हो सकता है, इससे थोड़ा बेटर ही होना चाहिए था। अब रियलमी 8i की बात करूँ तो यहाँ पर मैं इसका जो प्रोसेसर है वो 2.05 GHz प्रोसेसर पे हीलियो G96 ऑक्टाकोर प्रोसेसर पे बना हुआ प्रोसेसर है, जो कि इससे कई इसी प्राइस रेंज में इससे बेटर प्रोसेसर हो सकते थे, ये 2.2 GHz प्रोसेसर बन सकता था लेकिन नहीं बना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा प्राइस जो है इस मोबाइल की कुछ ज़्यादा ही है, और अभी जो गवर्नमेंट ने GST लगाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटिंग पे या उस पे चीज़ों पे, तो काफ़ी ज़्यादा GST बढ़ा दिया है, प्राइस बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर मैं मोबाइल की प्राइस भी है ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। ये मोबाइल की जो प्राइस है, एक्चुअली अगर प्राइस हम लोग बोले कि ये मोबाइल की प्राइस अभी कितनी होनी चाहिए थी, तकरीबन मेरे शायद ख्याल से 10,000 के आसपास ये प्राइस रेंज होनी चाहिए थी, जो कि गवर्नमेंट के लगाए हुए रूल्स के हिसाब से, GST के हिसाब से प्राइस बढ़ा दी गई है। और इसमें जो बैटरी लगी है 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है, 4GB रैम है, 64GB इनबिल्ट है, 6.6 इंच का यहाँ पर मैं इंचेस का इस पर डिस्प्ले दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर मैं 120 GHz के इस पर हॉर्स पे चलेगा डिस्प्ले विथ पंच होल, 15MP कैमरा जो कि रेयर कैमरा है, और 2MP कैमरा उसके बाकी के आलतू फालतू प्रोसेसर और उसके फोकस के लिए दिया हुआ है, जो कि किसी काम नहीं आता, सब लोग उसका विरोधी करते हैं। तो अगली बात कर लेते हैं, 16MP कैमरा फ्रंट कैमरा है, जो कि सेल्फी कैमरा बोल सकते हो, और इसमें मेमोरी कार्ड सपोर्ट दिया हुआ है, ट्रिपल स्लॉट दिए हुए हैं, 2 SIM कार्ड और एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर 256GB का मेमोरी कार्ड उसमें डाल के स्टोरेज जो है एक्सपेंड कर सकते हो। एंड्रॉयड वर्जन 11 है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये थोड़ा सा और ज़्यादा सस्ता हो सकता था, अभी फ़िलहाल ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, जल्दी ये बाकी और भी साइट्स पे जहाँ पर आप परचेस कर पाओगे वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी इतनी डिटेल है। और ये जो अभी फ़ोन है ये आज ही रिलीज़ हुआ है 13 सितंबर को, जो कि इंडिया में अभी डेट चल रही है, आज ही रिलीज़ हुआ है। और बाकी इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, एक 4G फ़ोन है, 5G नहीं है, और 5G आने में तकरीबन दूसरा आप वेरिएंट इसका देख सकते हैं रियलमी 8S, जो कि एक 5G फ़ोन है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, उससे कंपेयर करवा देता हूँ। तो इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है मीडियाटेक हीलियो G96 का है, 2.05 GHz प्रोसेसर, ऑक्टाकोर प्रोसेसर लगा हुआ है, इसमें ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट माली G57 MC2 लगा हुआ है, जिसमें गेमिंग जो है वो थोड़ी बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी, पर वो उस प्राइस रेंज में जो गेमिंग दिखनी चाहिए वो उतनी अच्छी नहीं दिखेगी जितना इसका प्रोसेसर के हिसाब से है। मेरा मोबाइल अगर मैं बात करूँ, जिस मोबाइल से अभी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उस मोबाइल का अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो उसमें 2.2 का प्रोसेसर है, जी हाँ, स्नैपड्रैगन 710 AI। तो अभी जो ये प्रोसेसर चल रहा है जिस प्राइस रेंज में ये मोबाइल अभी बिक रहा है 14,000 रुपये में, मैंने उस टाइम पे 2 साल पहले 14,000 मोबाइल में Realme 3 लिया था, Realme 3 Pro 14,000 में, और वही प्राइस रेंज में आज ये मोबाइल बिक रहा है जिसका प्रोसेसर इस प्रोसेसर से कंपेयर करेंगे तो ओल्ड है। तो इतना इसका प्राइस बढ़ाने का कोई मतलब नहीं था, गवर्नमेंट थोड़ा फालतू में ही GST यहाँ पर मैं ज़्यादा का एक्स्ट्रा लगा दिया, जो गलत है देखा जाए तो। तो यहाँ पर मैं जो ये मोबाइल है रियलमी 8i, ये कुछ ज़्यादा ही महंगा है, इसके कंपैरिजन में तुम दूसरे मोबाइल देख सकते हो जिनके प्रोसेसर काफ़ी अच्छे हैं, बेटर, इससे बेटर है। 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 18W का फास्ट चार्जिंग है, 18W का फास्ट चार्जिंग इतना फास्ट नहीं करेगा जितना 30W या 33W के या 60W के या 50W के फास्ट चार्जिंग है, उतनी फास्ट चार्जिंग 18W के फास्ट चार्जिंग में नहीं मिलेगी, तो इसे बेटर चार्जिंग होनी चाहिए थी इस प्राइस रेंज में, लेकिन नहीं दी, वो अभी देखते हैं अभी क्या हो सकता है। तो आगे हम लोग बात कर रहे थे रियलमी 8S 5G की, तो उसकी बात कर लेते हैं, तो वो भी मैं तो आपको दिखा देता हूँ। रियलमी 8 5G की, ये फ़ोन जो है थोड़ा सा महंगा है, ज़रूर है 18,000 का फ़ोन पड़ रहा है, अगर ये 15,000 के अंदर या 14,000 के अंदर में होता तो काफ़ी ज़्यादा इसकी जो वैल्यू फॉर मनी हो जाती। अभी फ़िलहाल ये अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, बाकी साइट्स पे भी अवेलेबल होने का है, और कोशिश करो थोड़ा और वेट कर लो कि दिवाली का सेल या
और कोई फेस्टिवल सेल अगर आता है, फ्लिपकार्ट बिग मिलियन सेल, अगर ऐसा कुछ सेल वगैरह आता है तो उसमें परचेस कर सकते हो। इसमें जो प्रोसेसर डाल रखा है, इसमें 5G फ़ोन है ये, वोल्टी वाईफाई सभी चीज़ दी हुई है इसमें, डिम सिटी 810, डायमंड सिटी बोल सकते हैं, डिम सिटी बोल सकते हैं, जिसको जो बोलना बोले, 810 का यहाँ पर मैं प्रोसेसर दिया हुआ है, ऑक्टोकोर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं इसके एक पहले मोबाइल आया था रियलमी की तरफ से, डिम सिटी 800 वाला मीडियाटेक का प्रोसेसर, जो कि 800 पे बेस था, और ये जो प्रोसेसर है वो 810 पे बेस है। तो यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा पावर सेविंग मोड वाला प्रोसेसर है। इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो 6 नैनोमीटर का लगा हुआ है। इसके पहले के जो प्रोसेसर थे वो 7 नैनोमीटर पे बेस थे, स्नैपड्रैगन वाले और कुछ मीडियाटेक वाले। तो इसमें जो ये प्रोसेसर लगा हुआ है, ये 6 नैनोमीटर का फर्स्ट, ये जो मोबाइल है उस रेंज का फर्स्ट मोबाइल है 6 नैनोमीटर पे बेस। तो ये जो मोबाइल है Realme 8S, ये काफ़ी अच्छा है, प्रोसेसर काफ़ी तगड़ा वाला है, इसमें गेमिंग काफ़ी अच्छे कर पाऊंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 लाख के मोबाइल के वाली गेमिंग कर पाऊंगे, ना ना मुन्ना ना, इसमें जितना तुम बेसिक करना चाहते हो डेली लाइफ के हिसाब से या डेली यूज़ के हिसाब से उतना काफ़ी चल जाएगा, बहुत है। 6GB रैम मिल जाएंगी इसमें, 128GB की इनबिल्ट स्टोरेज है, 5000mAh की बैटरी है विद फास्ट चार्जिंग, इसमें फास्ट चार्जिंग तुमको मिल जाएगा 33W का, जो कि डैश चार्जर है या कुछ तो चार्जर है, डैश अगर चार्जर होता तो वो और ज़्यादा फास्ट हो सकता था, ऐसे कई सारे लोगों ने बोला है। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये मोबाइल काफ़ी अच्छा है। इसकी डिस्प्ले और बाकी इंचेस की बात करूँ तो यहाँ पर 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है, जिसमें 1K 4K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग शायद इसमें हो पाएगा सपोर्ट, वो होगा नहीं होगा सॉफ्टवेयर से वो लोग अपडेट कर देंगे। और इसके डिस्प्ले में पंच होल है, जो कि आपको 90Hz का डिस्प्ले मिल जाएगा, और 64MP और 2MP रेयर कैमरा दिया हुआ है, और 60MP का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है इस मोबाइल में। ट्रिपल स्लॉट कार्ड स्लॉट है इसमें, जिसमें 2 SIM कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, जिसमें 1TB का मेमोरी कार्ड सपोर्टेड इसमें दिया हुआ है। एंड्रॉयड वर्जन इसका 11 है, जिसे कई 2-3 सालों तक आराम से, 4 साल तक तो आराम से चल जाएगा, अगर आप सही तरीके से मोबाइल अगर यूज़ करते हो तो आराम से चल जाएगा। मोबाइल की और ज़्यादा एडवांटेज की बात करूँ तो यहाँ पर मैं स्लिम जो है इसका मोबाइल का जो पतला ज़्यादा मोटा उसका जो साइज़ है वो 8mm का है। यहाँ पर मैं बाकी की चीज़ें डिटेल दी हुई है, और हाई रेजोल्यूशन जो इसका पिक्सल है 1080 का है, जो कि सपोर्टेड है। उसके बाद में और आगे की बात कर लें तो हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो 64MP ऑटो फोकस इसमें दिया हुआ है, हैज़ अ ट्रिपल कैमरा, 64 2MP 2MP इसका रियर कैमरा दिया हुआ है, रियर कैमरा, हैज़ अ फ्लैश कैमरा LED यहाँ पर मैं उसके पास दिया हुआ है, सपोर्ट फुल वीडियो 1080 फुल HD इसका सपोर्ट है। उसके बाद में बाकी की चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो, वीडियो कॉलिंग का 16MP का वीडियो कॉलिंग सपोर्ट है। उसके बाद में मेमोरी कार्ड सपोर्ट 1TB, लॉट्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी 128GB का इसमें स्टोरेज दिया हुआ है इनबिल्ट। उसके बाद में ऑक्टोकोर CPU दिया हुआ है 2.4 GHz का, डेमसिटी 810 का प्रोसेसर दिया हुआ है इसमें, कॉर्टेक्स A76 और बाकी की चीज़ें इसमें प्रोसेसर लगे हुए हैं, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। फास्टर CPU 2.4 GHz का CPU लगा हुआ है, और 6GB रैम है, 6GB रैम काफ़ी इनफ होता है, और आज के ज़माने में तो उसे 4GB रैम में काम चल जाता है, अच्छे से अच्छे लोगों का भी काम चल जाता है, तो 6GB रैम में तो आराम से चल जाएगा। सपोर्ट 4G और सपोर्ट 5G इसमें दिया हुआ है, और ये 20,000 के अंदर में एक 5G फ़ोन चाहिए अगर तुमको तो ये बेस्ट फ़ोन माना जा सकता है, विद अच्छी बैटरी, अच्छा फास्ट चार्जिंग और बाकी के प्रोसेसर के हिसाब से देखे तो काफ़ी अच्छा माना जा रहा है फ़ोन। और सपोर्ट वोल्टी, सपोर्ट वाईफाई, उसके बाद में वाईफाई हॉटस्पॉट थेरिंग और बाकी की चीज़ें इसमें, ब्लूटूथ 5.1 मिल जाएगा, हैज़ अ फिंगरप्रिंट सेंसर, हैज़ अ फेस अनलॉक, सपोर्ट GPS, 3.5mm का जैक है जिसमें ईयरफोन घुसर सकते हो फ़ोन में। आजकल के कुछ फ़ोन में 3.mm का जैक नहीं दिया जा रहा, जो कि रियलमी के फ़ोन्स में दिया जा रहा है, जिस वजह से हम लोग कोई भी ईयरफोन उसमें हम लोग घुसर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। आजकल ब्लूटूथ वाले ईयरफोन काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बेचे जा रहे हैं, जिस वजह से जो कुछ फ़ोन में 3.5mm का हेडफोन जैक नहीं दिया जा रहा उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है, जिस वजह से बैटरी ख़त्म तो ईयरफोन ख़त्म। तो यहाँ पर मैं ऐसा कुछ लफड़ा नहीं है, इस पर 3.mm का हेडफोन जैक दिया हुआ है, जिस वजह से तुम लोग ईयरफोन घुसड़ के अपना लाइफ टाइम जो भी तुमको यूज़ करना है, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे सीरीज़ देख रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, तो आराम से चल सकता है, कोई बैटरी का कोई झंझट नहीं है, वायरलेस ब्लूटूथ लगाने का कोई इशू नहीं है। तो ये फ़ोन जो है कमाल का है इस मामले में। उसके बाद में बाकी और चीज़ें तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो,
डिसएडवांटेज हम लोग नहीं देखेंगे, हम सिर्फ स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ड्यूअल सिम इसका जीएसएम मिल जाएगा, नैनो सिम कार्ड सपोर्ट है। और हम लोग आगे की बात करते हैं, और यहाँ पर मैं जो मोबाइल का वेट है टोटल 191 ग्राम का है, 194 ग्राम तक चले जाता है अगर केस वेस लगा के देख लेंगे तो। उसके बाद में आगे बात कर रहा था मैं, डिस्प्ले टाइप है इसका IPS LCD डिस्प्ले है, जो कि अच्छा डिस्प्ले, थोड़ा एमुलेटर डिस्प्ले होता तो बैटरी सेवर और भी वो सारी तरीके की चीज़ें मिल जाती और भी ज़्यादा इसमें कलर निखर के आ जाते अगर एमुलेट डिस्प्ले होता तो। आगे बात करें तो यहाँ पर हमें मल्टी टच और बाकी की चीज़ें मिल जाएंगी। साइज़ इसका 6.5 इंचेस है, जो कि मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ। और बाकी की चीज़ें यहाँ पर तुमको रेटियो वगैरह रेशियो वगैरह सब यहाँ पर मिल जाएगा। और ये कौन कौन से टाइप में फीचर सपोर्ट करता है, कौन कौन से फीचर्स इसमें दिए गए वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद में आगे रैम है इसमें 6GB और स्टोरेज है 128, और स्टोरेज जो टाइप का है वो UFC 2.1 का है, जिसमें काफ़ी तक तुम लोग फाइल ट्रांसफ़र करते हो, फाइल निकालते हो, कॉपी पेस्ट करते हो, डिलीट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो, तो उसकी जो स्पीड है काफ़ी अच्छी रहेगी। UFS 2.2 का जो वर्जन होता है वो थोड़ा सा और ज़्यादा इससे फास्ट माना जाता है। अब वो है या नहीं वो तो तुम लोग एक्चुअल मोबाइल खरीदने के बाद ही पता कर लूँगे। तो यहाँ पर मैं मेमोरी का जो कार्ड स्लॉट है 1TB तक सपोर्ट किया हुआ है, इसमें 5G सपोर्ट और वोल्टेज सपोर्ट सब कुछ दिया हुआ है, और ब्लूटूथ 5.1 बाकी की चीज़ें सपोर्ट दी हुई है। USB टाइप सी है 2.0 का यहाँ पर वर्जन दिया हुआ है, USB फीचर, USB ऑन द गो, USB चार्जिंग दिया हुआ है। और आगे बात करें तो GPS, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक सेंसर, 3.5mm का जैक, और कैमरा फीचर्स की बात करें 64MP का यहाँ पर मैं F-Aperture 1.8 का मेन कैमरा दिया हुआ है, रियर कैमरा, और बाकी के यहाँ पर पोर्ट्रेट और माइक्रो के लिए ऑटो फोकस के लिए दिया हुआ है 2MP के कैमरे। उसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं, 1080 का पिक्सल का वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट कर लेता है, और सॉफ्टवेयर के इशू कर देंगे बोला, बाकी 4K 1K सपोर्ट उसमें मिल जाएगा। और आगे हम लोग बात करें, यहाँ पर मैं LED इसमें दिया हुआ है, और पंच होल मिला यहाँ पर मैं 16MP का, F-Aperture है 2.1, वाइड एंगल कैमरा, एंड्रॉयड वर्जन है 11, और डिमसिटी मीडियाटेक का डिमसिटी वाला 810 वाला प्रोसेसर है, 2.4 GHz का प्रोसेसर इसमें ऑक्टोकोर प्रोसेसर डाल रखा है, और GPU है माली G57 MC2, जो कि बेटर प्रोसेसर है और ग्राफिक और गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर माना जा रहा है। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें बाकी के वीडियो वगैरह ऑडियो सपोर्ट मिल जाएगा, और फास्ट चार्जिंग है 33W का फास्ट चार्जिंग, जो कि इसका काफ़ी अच्छा चार्जर है, और एक घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 15-20 मिनट के अंदर में मोबाइल को फुल चार्ज करके दे देगा, जो कि 5000 mAh की बैटरी यानी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये था इस मोबाइल के बारे में रिव्यू, और इसके अंदर के क्या डिटेल्स थी, क्या स्पेसिफिकेशन थी, वो सब मैंने बता दिया। मोबाइल दिखने में काफ़ी अच्छा है, और इसके ऊपर मैं फिंगरप्रिंट इजीली नहीं आते, मतलब मैं बोलने का मतलब ये कर रहा हूँ, मतलब ये जो इसके ऊपर का जो डिस्प्ले है पीछे का बैक साइड का जो कवर है, जितने भी अभी रियलमी के मोबाइल्स निकल रहे हैं उसके बैक साइड का जो कवर होता है वो पॉलीकार्बोनेट का कवर होता है, तो उसके उसके ऊपर जब हम टच करते हैं, जब हमारे फिंगरप्रिंट के उंगलियों के निशान उसके ऊपर आ जाते हैं, जो कि बहुत गंदा लगता है, लेकिन इस वाले मोबाइल में यहाँ पर मैं तुमको ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देगी। ये इसका जो बैक कवर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसके ऊपर हमारे उंगलियों के निशान नहीं आएंगे, पसीने या किसी भी तरीके के पानी के दाग धब्बे इसके ऊपर दिखाई नहीं देंगे, बस यही बोलना चाहता था। इसकी जो एडवांटेज है वो इसके लॉक बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा है, और ऊपर में यहाँ पर हमें माइक्रो फोन का दिया हुआ है, और 3.5mm का हेडफोन जैक दिया हुआ है, स्पीकर दिया हुआ है, चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, और भी बाकी की सारी चीज़ें तुमको यहाँ पर दिख जाएगी। और सामने के फ्रंट डिस्प्ले में पंच होल का यहाँ पर हमें फ्रंट कैमरा दिया हुआ है 16MP का, जो कि काफ़ी अच्छा है, वीडियो कॉलिंग और बाकी जैसे जिस चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बैक साइड में 2MP के दो कैमरे दिए हुए हैं, एक 64MP का कैमरा दिया हुआ है, और फ्लैशलाइट दिया हुआ है, और रियलमी की ब्रांडिंग है। तो फ़ोन वगैरह देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, और तुम लोग इसको चाहो तो परचेस कर सकते हो, जो कि आज दोपहर 12 बजे से इसका सेल स्टार्ट हो चुका है, जो कि तुमको 18,000 में मोबाइल पड़ेगा। कुछ वहाँ पर मैं फ्लिपकार्ट की तरफ से कुछ डिस्काउंट और बैंक का कैशबैक मिल जाएगा 1000-2000 रुपये का, तो वो तुम चाहो तो जाके वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हो। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे, अपने आसपास पेड़ और पौधे को पानी दे, एंड पानी को बचाए, पानी ही जीवन है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, और वीडियो नहीं दिखती है तो वीडियो लिस्ट ज़रूर चेक करें, एंड कीप सपोर्ट एंड शेयर प्लीज़।